टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मसल्स ऑफ द थॉरेक्स एंड द शोल्डर दैट मूव द ह्यूमरस। तो ऐसे वो मसल्स के बारे में देखते हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमरस को मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। और जो मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, थॉरेक्स एंड शोल्डर में प्रेजेंट हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी मसल्स जो ह्यूमरस को मूव करने में हेल्प करती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कौन सा है, पेक्टोरिस मेजर मसल्स। तो ये यहाँ पे जो मसल्स ये आपको शो हो रही है, ये कौन सी होती है आपकी, पेक्टोरिस मेजर मसल्स होती है जो आपको कट सेक्शन में शो हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से कहाँ से, कहीं ना कहीं वो कहाँ से होती है आपकी, क्लेविकल से स्टार्ट होती है। और कहाँ तक जो भी रिप्स क्या है, फर्स्ट टू सेवन, जो फर्स्ट एंड सेवन्थ नंबर की जो रिप्स है, फर्स्ट लेकर सेवन नंबर की जो रिप्स है, उन सभी से क्या होती है ये, वहाँ से क्या है इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है इस मसल्स का। और देन एंडिंग कहाँ होती है, ह्यूमरस के पास आके, ये ह्यूमरस बोन के पास जो आपकी यहाँ पर रहती है, ये क्या रहती है, ह्यूमरस बोन यहाँ पे जो प्रेजेंट रहती है इस पोर्शन में, ये क्या रहती है, ह्यूमरस बोन, जो कहीं ना कहीं अपर पोर्शन में ह्यूमरस बोन किससे जुड़ी रहती है, स्कैपुला से। देन लोअर पोर्शन में किससे जुड़ी, रेडियस एंड अल्ना से। तो ये जो बोन है जो ह्यूमरस को मूव करने में जो हेल्प करती है, कौन सी होती है, फर्स्ट बोन आपकी पेक्टोरिस मेजर मसल्स, जो कहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी रिप्स, फर्स्ट से टू सेवन रिप्स के पास से स्टार्टिंग होती है। साथ ही साथ कहाँ से कुछ पोर्शन इसका, कहाँ से, क्लेविकल से होता है। देन एंडिंग कहाँ पर होती है इसकी, ह्यूमरस बोन के पास होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी मसल्स है जो कहीं ना कहीं मूव में हेल्प करती है। तो वो होती है आपकी लैटिसमस, कौन सी होती है आपका, लैटिसमस मसल्स होती है। क्या होती है ये वाली, लैटिसमस मसल्स होती है। तो ये वाली क्या होती है, लैटिसमस डोर्सी मसल्स, क्या होती है आपकी, लैटिसमस डोर्सी मसल्स होती है, जो क्या करती है, ये भी क्या करती है, ह्यूमरस को मूव करने में हेल्प करती है। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से स्टार्ट होती है, थोरेसिक सेवन टू से स्टार्ट होती है, थोरेसिक सेवन, थोरेसिक एट, नाइन, टेन, एलेवन, ट्वेल्व, देन लंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फिफ्थ, ये सभी बोन्स के पास से इसकी क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। और देन ये आकर कहाँ पर एंडिंग होती है आपका, ह्यूमरस बोन के पास इसकी क्या होती है, एंडिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी वर्टिब्रा कॉलम की जो कौन बोन है, थोरेसिक से लेकर लंबर की जो बोन है, वहाँ से क्या होती है इसकी स्टार्टिंग होती है, कहीं ना कहीं बैक पोर्शन में देखे, स्टर्नम के बैक में होती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से स्टार्टिंग होती है, और एंडिंग कहाँ पर होती है इसकी, ह्यूमरस बोन के पास। तो ये क्या करती है, ह्यूमरस को मूव करने में हेल्प करती है, एंटीरियर पोस्टीरियर मूव करने में, रोटेट करने में हेल्प करती है। ये दोनों जो मसल्स हैं, कौन सी आपके, पेक्टोरिस एंड क्या, लैटिसमस मसल्स, ये दोनों क्या करती हैं, हाँ, रोटेट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेल्टॉइड मसल्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होती है डेल्टॉइड मसल्स। तो जो डेल्टॉइड मसल्स है, डेल्टॉइड मसल्स से पहले हम देखते हैं वो क्या है, कि जो कहीं ना कहीं जो हमने दो भी मसल्स देखे उनमें कौन सी नर्व सप्लाई होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पेक्टोरिस मेजर मसल्स है उसमें कौन सी होती है, मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स, मीडियल एंड पेक्टोरल मसल्स है, उसमें के लिए कौन सी सर्व है, पेक्टोरल नर्व सप्लाई है। नेक्स्ट आपका जो आपका कौन सी है, लैटिसमस मसल, डॉर्सी मसल्स, उसके लिए क्या होती है, थोरोकोडोर्सल नर्व सप्लाई रहती है, जो क्या करती है, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, डेल्टॉइड मसल्स, कौन सी मसल्स होती है, डेल्टॉइड मसल्स। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये वाली पोर्शन में जो मसल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्स, वो क्या होती है, डेल्टॉइड मसल्स, जो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कोई IM इंजेक्शन देने में हेल्प, मोस्टली डॉर्सल डॉल्टेड एरिया, उसमें क्या कर सकते हैं, IM इंजेक्शन देने में हेल्प, या IM इंजेक्शन दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की साइट है ये, कौन सी, डेल्टॉइड मसल। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, एक्रोमियल से स्टार्ट होती है, जो भी एक्रोमियल है, कहाँ पर आपका, एक्रोमियल ऑफ क्लेविकल बोन का, जो भी क्लेविकल का एक्रोमियल पोर्शन है वहाँ से स्टार्टिंग होती है। और डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी ऑफ ह्यूमर, ह्यूमरस की जो डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी होता है, हमने ह्यूमरस बोन में बताया था मैंने, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी, वहाँ पर इसकी क्या होती है, एंडिंग होती है। देन ये भी क्या करती है, एंट्री, ये क्या करती है, आर्म को मूव करने में हेल्प करती है, अबडक्ट करने में, क्या करने में, आर्म को मूव करने में हेल्प करती है, शोल्डर जॉइंट को क्या करती है, मूव करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ रोटेट करने में, शोल्डर को क्या करने में, रोटेट करने में हेल्प करती है। और इसके लिए जो नर्व सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, एक्सिलरी नर्व्स, इसके लिए कौन सी नर्व की सप्लाई होती है, एक्सिलरी नर्व्स, जो भी कौन सी आपकी डेल्टॉइड मसल की नर्व्स की सप्लाई कौन सी होती है, एक्सिलरी नर्व्स की सप्लाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं सब स्कैपुलरिस, नेक्स्ट मसल्स कौन सी आपकी, सब स्कैपुलरिस, ये वाली जो मसल्स आपको शो हो रही है इसको हम बोलते हैं क्या, सब स्कैपुलरीज मसल्स, यहाँ पे जो रहती है ये वाली भी क्या करती है, ह्यूमरस को
मूव करने में हेल्प करती है। सब स्कैपुलरीज मसल्स जो कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है, सब स्कैपुलर फोसा, जो अपने लोगों ने स्कैपुला के अंदर देखा था, सब स्कैपुलर फोसा वहाँ से इसकी क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। और देन इसकी जो एंडिंग है वो कहाँ पर होती है, हम लोगों ने पढ़ा था लेजर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का लेजर ट्यूबरकल है वहाँ पर क्या आकर ये मसल्स एंडिंग पॉइंट या वो आकर जुड़ती है, मतलब कहाँ से मसल स्टार्ट होती है, सब स्कैपुला का जो फोसा है, स्कैपुला का जो फोसा है वहाँ से स्टार्टिंग होती है और एंडिंग कहाँ पर होती है इसकी, ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस बोन के पास। और ये क्या करती है, मीडियली रोटेट एट शोल्डर, शोल्डर जॉइंट के पास से क्या करती है, मीडियली रोटेट करने में हेल्प करती है। ये वाली मसल्स क्या करती है, मीडियली रोटेट करने में हेल्प करती है ह्यूमरस को। और इसके लिए जो भी नर्व सप्लाई है वो कौन सी होती है, अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, कौन सी नर्व्स होती है, सब स्कैपुलर जो नर्व्स है, कौन सी नर्व्स है, सब स्कैपुलर नर्व्स जो इसके लिए सप्लाई रहती है, किसके लिए, सब स्कैपुलरीज मसल्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो मसल्स है वो कौन सी मसल्स है, सुप्रा स्पाइनेटस, कौन सी मसल्स होती है आपका, सुप्रा स्पाइनेटस, ये वाली जो मसल्स कहाँ पर होती है, आपके किससे अटैच रहती है, स्कैपुला पे अटैच रहती है। तो स्कैपुला में कहाँ रहती है, जो आपका सुप्रा स्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला, जो हम लोगों ने स्कैपुला में पढ़ा था सुप्रा स्पाइनस फोसा, उसके पास ये क्या रहती है, स्टार्टिंग होती है। और ये कहाँ पर आकर जुड़ती है, ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का जो ग्रेटर ट्यूबरकल है उस पर आकर क्या हो जाती है, लैंडिंग पॉइंट। तो जो स्टार्टिंग या ओरिजिन कहाँ से होती है, सुप्रा स्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला, जो स्कैपुला का सुप्रा स्पाइनस फोसा होता है वहाँ से स्टार्टिंग होती है। देन इसकी एंडिंग कहाँ पर होती है, ये इसके अंडर होती है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस के ट्यूबरकल पर इसकी क्या होती है, एंडिंग होती है। और ये क्या करती है, ये क्या करने में, अडक्शन आर्म को, अडक्शन या अडक्टिक आर्म का ये एक अडक्शन मूवमेंट होता है, उसमें क्या कर दिया, हेल्प करती है। एक होता है अबडक्शन, एक होता है अडक्शन, अडक्शन मतलब कहीं ना कहीं पास लाना और अडक्शन मतलब दूर करना। तो ये कहीं ना कहीं हाथ जो ह्यूमरस को क्या करती है, जो हमारा क्या है, ये वाला मीडियल पोर्शन से दूर ले जाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इसके लिए जो नर्व्स की सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, क्या होती है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व्स होती है, कौन सी होती है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व्स की सप्लाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस, नेक्स्ट मसल्स कौन सी होती है आपका, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स होती है। ये क्या करती है, ये कहीं ना कहीं शोल्डर को, ह्यूमरस बोन को मूव कर, ये क्या करती है, ह्यूमरस बोन को मूव करने में हेल्प करती है, कौन सी, इंफ्रा स्पाइनस। जैसे सुप्रा स्पाइनस सुपीरियर पोर्शन में होती है स्कैपुला के पास, देन जैसे ही आपका हम बैक पोर्शन से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको इन्फीरियर पोर्शन में देखेगी, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर नीचे, तो वो कहीं ना कहीं आपको इस डायग्राम में कहीं शो नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं क्या है आपका बैक पोर्शन में, तो इसलिए हमें इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे, तो वो जस्ट बिलो रहती है इंफ्रा स्पाइनस, सुप्रा स्पाइनस के जस्ट नीचे की तरफ, जैसे कि सुप्रा सुपीरियर में, इंफ्रा इन्फीरियर में होती है। तो ये कहाँ से रहती है आपका, इंफ्रा स्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला, क्योंकि जो स्कैपुला में दो फोसा होते हैं, एक सुप्रा एक इंफ्रा, तो एक सुप्रा स्पाइनस से होती है सुप्रा स्पाइनस मसल्स, स्पाइनोटस मसल्स, और इंफ्रा स्पाइनस से होती है स्पाइनोटस मसल्स। और ये कहाँ पर एंडिंग होती है इसका, क्या, ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस के ट्यूबरकल पर क्या होती है, ये एंड होती है और लेटरली रोटेट करने में हेल्प करती है। ये क्या करती है, लेटरली रोटेट करती है आर्म को एट शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट के पास से मूव करती है कहाँ की तरफ, लेटरल की साइड मूव करने में हेल्प करती है। और इसके लिए जो नर्व्स की सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, सुप्रा स्कैपुलर, कौन सी नर्व्स की सप्लाई रहती है, सुप्रा स्कैपुलर, तो ये रहती है इसके लिए नर्व्स की सप्लाई। नेक्स्ट हम देखते हैं टेरस मेजर, कौन सी होती है आपकी, टेरस मेजर, ये वाली जो मसल्स आपको दिख रही है कहीं ना कहीं, ये वाली मसल, तो ये क्या होती है आपकी, टेरस मेजर मसल्स, कौन सी मसल्स होती है, टेरस मेजर मसल्स होता है क्या होता है, कहीं ना कहीं एक कैसी मसल्स, मतलब टेरस मेजर मतलब कहीं ना कहीं बड़ी वाली एंड राउंड, बड़ी और राउंड मसल्स, कैसी होगी ये, बड़ी एंड टेरस मेजर मसल्स, बड़ी एंड राउंड मसल्स होगी। ये कहाँ से स्टार्टिंग होती है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, जो स्कैपुला का इन्फीरियर एंगल होता है, जो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्कैपुला को हम देखेंगे तो कहीं ना स्कैपुला का एक सुपीरियर एंगल होता है, इन्फीरियर एंगल होता है, जो इन्फीरियर एंगल से क्या होती है इसकी स्टार्टिंग होती है। देन ये इसकी एंडिंग कहाँ होती है आपका, ह्यूमरस बोन के पास, क्योंकि सारी बोन, क्योंकि ह्यूमरस को मूव करने में हेल्प कर रही है, तो सारी बोन कहाँ पर जाके एंडिंग होती है, ह्यूमरस बोन के पास आकर, या ह्यूमरस पे क्या होती है इनकी एंडिंग होती है।
नेक्स्ट ये क्या करती है, क्या करने में आर्म से क्या करिए एक्सटेंड आर्म एट दी शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट से क्या करती है आर्म को मूव करने में हेड हेल्प करती है, एडक्शन करने में, एडक्शन मतलब पास में लाने में, और साथ ही साथ रोटेट करने में हेल्प करती है। और इसके लिए जो नर्व्स की सप्लाई वो कौन सी रहती है, लोअर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर जो नर्व्स की सप्लाई वो क्या करती है, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेरिस माइनर मसल्स, ये थी आपकी मेजर मसल्स, नेक्स्ट होती है इसमें माइनर मसल्स, कौन सी होती है माइनर, नेक्स्ट होती है आपकी टेरिस मेजर मसल्स, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आपको ये माइनर मसल है वो कहीं ना कहीं जो आपको सॉरी मेजर मसल्स है वो कहीं ना कहीं आपको आगे की तरफ, जो आपको टेरिस माइनर मसल्स है वो कहाँ देखने को मिलेगी बैक पोर्शन में, कहीं ना कहीं इसके जस्ट पीछे की तरफ रहती है, कौन सी रहती है टेरिस माइनर मसल्स, वो क्या करती है वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, जो इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर है, क्या है आपका इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, जो स्कैपुला पर कौन सा बॉर्डर है इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर से स्टार्टिंग होती है, ह्यूमरस पे जाके क्या हो जाती है एंडिंग होती है, और इसको जो मूवमेंट करने में क्या करती है रोटेट करने में, लेटरली रोटेट करने में हेल्प करती है, और क्या करती है इसके लिए जो नर्व्स की सप्लाई वो कौन सी होती है एक्सिलरी नर्व्स की क्या रहती है सप्लाई रहती है, जो क्या करती है एक्सिलरी नर्व इसको मूव करने में या इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मसल्स कोराको ब्रांकियलिस, नेक्स्ट होती है आपकी कोराको ब्रांकियलिस मसल्स होती है, जो कहीं ना कहीं क्या रहती है इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट रहती है, ब्रांकियल्स मतलब ब्रांचेस की तरह, कोराको ब्रांकियल्स मसल्स रहती है जो कहाँ से स्टार्टिंग होती है कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, जो भी स्कैपुला का कोरोकोइड प्रोसेस है वहाँ से क्या होती है ये स्टार्टिंग होती है, देन इसकी जो एंडिंग है कहाँ पर होती है आपका इसका मीडियल सरफेस ऑफ साफ्ट, जो भी साफ्ट है ह्यूमरस का जो भी साफ्ट है उसके मीडियल इन ये क्या वाला ये इधर वाला लेटरल सरफेस होता है ये वाला मीडियल, तो मीडियल साइड में क्या होती है ये अटैच्ड रहती है, और ये क्या करती है कहीं ना कहीं आपके मांस को अडेक्ट करने में हेल्प करती है, देन इधर फ्लेक्शन में एडक्शन एंड फ्लेक्शन में हेल्प करती है, और इसके लिए जो है नर्व्स की सप्लाई वो कौन सी है मस्कुलोकुटेनियस जो मसल्स है क्या होती है मस्कुलोकुटेनियस जो नर्व्स है वो क्या करती है इसके लिए सप्लाई रहती है, वो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो हम लोगों ने अभी क्या बताई थी टेरिस माइनर मसल, तो जो कहीं ना कहीं हमें ये बैक में यहाँ पे स्कैपुला के पास देखने को मिलती है, जो आपको एंट्री दिखती है वो क्या होती है टेरिस मेजर मसल। तो आज हम लोगों ने ह्यूमरस जो भी कहीं ना कहीं हमने आज हम लोग ने कौन सी मसल्स के बारे में पढ़ा थोरैक्स एंड शोल्डर की उन मसल्स के बारे में डिस्कशन किया जो कहीं ना कहीं क्या करती हैं ह्यूमरस बोन को मूव करने में हेल्प करती हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।